Hi friends, welcome back to my channel. Today I'm going to make pasta in white sauce but with lot of veggies. Make sure करें कि ज़्यादा veggies डालें ताकि ये सब बैलेंस हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो पास्ता खाइए ज़रूर मगर veggies के साथ. पहले हम पास्ता को कुक करेंगे. पानी को पहले उबालें और उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए. और अब हम मैं इटालियन पास्ता यूज़ कर रही हूँ. इसमें अंडा होता है और सेमोलिना भी होता है. वेजिस में देखिए मैंने क्या क्या लिया है. रेड पेपर लिया है मैंने, लाल वाला पेपर, फिर ग्रीन वाला पेपर, फिर हरी मिर्च है मेरे पास, एक प्याज लिया है, गार्लिक है, मशरूम है और ब्रोकली है, और मैंने बेबी कॉर्न्स भी लिए हैं. आप वेजेस अपने चॉइस से भी ले सकते हैं. वेजेस को मैंने अच्छे से चॉप करके रख दिया है. अब पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे. अब हम डालेंगे लहसुन, प्याज और हरी मिर्च और इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे 2 मिनट के लिए. हमें किसी को भी ज़्यादा पकाना नहीं है, सबको क्रंची रखना है. सिर्फ हमें मशरूम को पकाना है. मशरूम को कभी कच्चा नहीं रखे, इसको अच्छे से वेल डन पकाना है हमको. एक बार मशरूम अच्छे से पक जाए फिर मैं सब वेजिस डाल दूंगी और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए सॉटे करूंगी मैं. वेजिस को ज़्यादा पकाने से उसके विटामिन्स और मिनरल्स सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे 2 मिनट सॉटे हो जाए फिर हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट. इसको सिर्फ मिक्स करके आप अलग से रख दीजिए साइड में. तब तक आप देखिए हमारे जो साइड में मैंने पास्ता रखा था बॉईल करने, अभी वो रेडी हो चुका है. हमें सिर्फ 90% इसको पकाना है ताकि वो अच्छे से स्टिफ रहे. और थोड़ा सा मैं उसका पानी निकालूंगी ताकि हम बाद में इसका इस्तेमाल करें. ये देखिए मैंने पानी ड्रेन आउट कर दिया है. अब हम सॉस रेडी करेंगे, वाइट सॉस. मैंने पैन में थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाला था और बटर का 1 क्यूब डाला है ताकि वो बटर जले नहीं. अभी हम इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला है. इसको अच्छे से हम फ्राई करके ले गए. इसको कच्चा नहीं रखना है आपको, अच्छे से फ्राई करके लेना है इसको ताकि ये गोल्डन कलर हो जाए और पक जाए. जैसे मैदा फ्राई हो जाए फिर हम इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे. एक बार दूध डालेंगे तो फिर बाद में इसको अच्छे से चलाते रहिए ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं होए. अब हम पास्ता का पानी डाल देंगे जो मैंने निकाल के साइड में रखा था. इससे क्या होगा, अच्छा फ्लेवर आएगा वो पास्ता का इस सॉस में. अब आप सॉस की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए. जैसे सॉस रेडी होता है हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, बेसिल लीव्स और ऑरेगानो का पाउडर. नमक आप सोच समझ के डालिए क्योंकि हमने वेजिस में भी डाला था और पास्ता में भी डाला है जब बॉईल हो रहा था. तो अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो डालिए, नहीं तो लास्ट में आप चेक करके डाल सकते हैं. अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान से नमक डालना पड़ेगा. अब हमारा सॉस रेडी है. अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से हम स्टियर करेंगे. पास्ता एक बार सॉस में अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमने जो वेजिस फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे.
आप देख सकते हैं कितनी सारी वेजीज है इसमें पास्ता के साथ साथ, तो बच्चे पास्ता के साथ साथ वेजीज भी खाएंगे। तो जरूर आप बहुत सारी वेजीज डालिए। हम चीज़ का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जब आप सॉस बनाते हो तब डाल सकते हो, नहीं तो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो। तो मैं मेरे रेसिपी में ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि हमें ऐसे अच्छा लगता है। अभी ऊपर से ग्रेटेड मोजरेला चीज़ मैं डाल रही हूँ। तो लीजिए तैयार है वाइट सॉस पास्ता, इटालियन पास्ता। इट्स वेरी यमी, यू शुड ट्राई दिस। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।